जाती। और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। यूपी के सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र 191 कादीपुर में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी सुरेश चंद एडवोकेट की अगुवाई में उप जिलाधिकारी कादीपुर के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें विभिन्न मांगे हैं। सुल्तानपुर के अंतर्गत समस्त ग्रामों में अवशेष लाभार्थियों एवं पात्र गृहस्थी कार्ड से वंचित पात्रों का राशन कार्ड बनवाया जाए, जांच प्रक्रिया में सक्रियता एवं सत्यता की पारदर्शिता लाई जाए, जिससे गरीबों के हितों की रक्षा हो सके और भूखमरी से प्रदेश की जनता को बचाया जा सके। शासन एवं प्रशासन राज्य तथा केंद्र सरकार के आदेशों और निर्देशों का खुले आम नए राशन कार्ड बनाने का मखौल बनाकर उपपूर्ति निरीक्षकों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे असहाय एवं गरीब जनता आज भी बिना राशन कार्ड के जूझ रही है। पूर्ति निरीक्षकों के द्वारा काले धन की उगाही से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अति गरीब होते जा रहे हैं। कोरोना संकट जैसी महामारी की परिस्थिति में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं निजी शिक्षण संस्थानों के बच्चों के प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के बच्चों की फीस माफ की जाए तथा कोरोना जैसी महामारी की परिस्थिति में ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल तक के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ किए जाए। सुल्तानपुर से अनिल कुमार चोपड़ा की रिपोर्ट। और चौथा है जो कोरोना महामारी में लोग किसान मजदूर जो अपने पेट के लिए परेशान हैं, जो अपने घर के लिए रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, उनका तीन महीने का बिजली बिल जो है उनका माफ किया जाए। आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को, किस लिए दे रहे हैं? आज हम आम आदमी पार्टी विधानसभा कादीपुर 191 कादीपुर के माध्यम से विधानसभा प्रभारी के हैसियत से एसडीएम महोदय कादीपुर को महामहिम राज्यपाल के महोदय को प्रेषित कर रहा है। पहला नंबर ये है कि विधानसभा कादीपुर में जो पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जो राशन कार्ड बनाया जा रहा है, जो पहले से वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनका राशन कार्ड न बना करके जो बाहर से लोग आए हुए हैं, पहले उनको पात्रता सूची में रख दिया गया है। जो यहाँ के लोग हैं, जो पहले से उनका राशन कार्ड था, उनको उसमें से छटनी करके निकाल दिया गया है और बाहरी लोगों को जो है उसमें शामिल कर दिया गया है। ऐसे कार्य को मैं इसके ऐसे घृणित कार्य की निंदा करता हूँ। नंबर दो गांव में जो लाभार्थी, नंबर दो जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का खुले आम नए राशन कार्ड बनाने का माखौल वोट निरीक्षकों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, जिससे असहाय गरीब जनता आज भी बिना राशन कार्ड के जूझ रही है। वोट निरीक्षकों द्वारा काले धन की उगाही से भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिससे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो और तीसरा नंबर कोरोना जैसी महामारी संकट में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, गरीब खाने को मजबूर है और बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास आज भोजन नसीब नहीं है, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों द्वारा जो है फीस वसूली जा रही है। हम माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे एसडीएम महोदय के माध्यम से कि 3 महीने की फीस जो है जिस तरह से तमाम सुविधाएँ प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा दी गई हैं, उसी तरह से इस कादीपुर विधानसभा व पूरे प्रदेश की जनता के साथ उसी तरह का जो है सहयोग किया जाए, उनकी फीस माफ किया जाए, जिससे वो भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। यूपी के सोनभद्र जिला के जिलाधिकारी ने बताया कि 54 विकास खंड के कोटा ग्राम पंचायत की शिकायत के संबंध में जांच टीम गठित की गई थी और जांच टीम के द्वारा आई रिपोर्ट में घोटाले की बात सामने आई है। इसमें कुल 1,78,00,000 का घोटाला हुआ है। वहीं जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान मुरहिया देवी और ग्राम विकास अधिकारी ब्रजेश सिंह और लघु सिंचाई विभाग के जेई संजय कुमार पर FIR करने और ग्राम पंचायत अधिकारी लघु सिंचाई विभाग के जेई पर विभागीय कार्रवाई करने, इसके साथ ही रिकवरी की धनराशि का पुनः आकलन करके रिकवरी किए जाने का भी आदेश दिया है। दरअसल जिला अधिकारी का कहना है कि इसमें कुछ काम हुए हैं जिनको रिकवरी के लिए उनका आकलन करना जरूरी है, आकलन करने के पश्चात रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। चौपन से आशा चौबे की रिपोर्ट। सामान सप्लाई को लेकर और कई सारे मुद्दे आ रहे हैं, काफ़ी दिन से जाँच चल रही है सर, उसकी जांच पूरी होगी सर, क्या रिपोर्ट आई, क्या कुछ लोगों को मुकदमा भी दर्ज किया गया, किन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है? इसमें कोटा गांव पंचायत के संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें टीम गठित की गई है और टीम ने जो जाँच रिपोर्ट सबमिट किया
तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने उनके पक्ष सुनने के लिए जवाब मांगा था। जब जवाब आया, जवाब का परीक्षण किया गया, फिर परीक्षण के उपरांत कुछ गड़बड़ियां मिली थी जिसको लेके कार्रवाई के लिए आदेश हो गया। उसमें जो गबन भी हुआ है इसलिए उसमें एफआईआर भी आदेश हुआ है और जो उसमें जो लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। सर कितने का गबन हुआ? देखिए जो रिपोर्ट आया था वो 1,78,00,000 की जो आया था, बट उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कुछ काम हुआ वहाँ पे उसको उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, यानी वो नियम से हट के कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटि थी। सो उसको अलग टीम द्वारा अभी आंकलन कराया जाएगा, तो उसके बाद उसकी रिकवरी का हम निकालेंगे कि अभी वाकई में कितना रिकवरी करना है। यूपी में जौनपुर जिले के थाना खेता सराय क्षेत्र अंतर्गत सोमबुलपुर ग्राम सभा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब मुंबई से आए दो लोग पारस गुप्ता पुत्र बसंत लाल गुप्ता व राजू गुप्ता पुत्र राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम सभा उपरोक्त की आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जिन लोगों में कोरोना का कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहा था। खेता सराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया से। यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत सोमबुलपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं, जहां की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई है, दो व्यक्तियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ऐसा स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोधी के डॉक्टर रमेश चंद्रा जी ने बताया कि आज की रिपोर्ट में सोमबुलपुर ग्राम सभा के दो लोग पॉजिटिव आए हैं। ये लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग कब आए हैं और कहाँ इन लोगों की टेस्टिंग हुई है। क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता। आप कहाँ रहते थे? मुंबई। बॉम्बे रहते थे। कब आए हैं बॉम्बे से? 28 तारीख को। तो आपकी सैंपलिंग कहाँ हुई थी? लपरी। लपरी में आपकी जांच हुई थी जी। तो वहाँ से आपको होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया था। तो आज कितना दिन से आप होम क्वारंटीन हैं? 28 तारीख से होम क्वारंटीन हैं। तो आपका सैंपल जो आज आया है, रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है, तो क्या आपको कोई तकलीफ है? नहीं, कोई भी तकलीफ। खांसी नहीं, सर्दी नहीं, बुखार नहीं, ऐसा कोई लक्षण कुछ भी नहीं है? नहीं। फिर भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। धन्यवाद। जैसा इनका कहना है कि आज लगभग 12-13 दिन से ये होम क्वारंटीन है और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं है। ये दो लोग हैं जिनकी रिपोर्टें पॉजिटिव आई है। खेतासराय से रिपोर्टिंग इंचार्ज राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। पृथ्वी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। अब बनेगा मकान, घर होगा खुशहाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले के गरापुर में खुल गया जेपी इंटरप्राइजेज, जो गरीबों मजलूमों का मसीहा है, जिसके संचालन जयप्रकाश सिंह है, जो कम रेट पर व पैसा ना होने पर उधार सरिया सीमेंट रेत गिट्टी को थोक एवं फुटकर में देते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों की ओर। यूपी के अंबेडकर नगर जलालपुर थाना के अंतर्गत जलालपुर चौक पर लगा जाम, जिससे आम जनता परेशान है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि प्रशासन भी कुछ कर नहीं पा रही है, जिससे और लोग भी परेशान हैं। खेतासराय से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज तेज हवा और पानी की वजह से खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंदियासी में बहुत नुकसान हुआ। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं गरीब लोगों के चादर उड़ गए। भगवान के मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी के घर के सारे चादर उड़ गए और जिसकी वजह से उसके घर में सारा पानी भर गया। 5 क्विंटल गेहूं रखे थे, वह भी गीले हो गए और खाने पीने का जो भी सामान था वह सभी पानी भर गया और कई लोगों का ग्राम नंदियासी में नुकसान हुआ है। देखिए उज्जैन से हमारे संवाददाता मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। पृथ्वी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।